दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, यानी क्रिसमस। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अब अगर फेस्टिवल है तो गिफ्ट की तो बात चलेगी, और गिफ्ट की बात चल रही है तो दोस्तों क्यों ना गिफ्ट ऐसा बनाया जाए जो अपने हाथों से सजाया हुआ हो, और हम अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में अगर वो मिठाइयाँ तो सभी देते हैं, मिठाइयाँ, चॉकलेट, ये सब तो सभी देते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें दें जो अपने फ्रेंड्स, यानी जो अपने दोस्त हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, वो सालों साल आपको याद रखें, और अपने पास इनको हमेशा ऐसे ही सजाकर अपने इर्द गिर्द, अपने नज़दीक उन्हें रख सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आज मेरा टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ अपने हाथों से बना के दिखाऊं। कुछ अपने ये प्लांट्स हैं, और इनमें मैं ये प्लांट्स में कुछ प्लांट्स लगा के, बना के, और उनको सजा के, डेकोरेटिव आइटम्स बना के, और उनको बनने के बाद चलेंगे हम अपने फ्रेंड्स के पास क्या करने, गिफ्ट देने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें चाहिए क्या, चलिए हम देख लेते हैं। ये प्लांट्स तो हमें चाहिए ही, ये तो बेसिक नीड है, ये देखिए। और इसके साथ हमें चाहिए ये हमारा सॉयल मिक्सचर, ये ठीकरी चाहिए जो हमें इसके नीचे रखनी है ड्रेनेज होल में लगाने के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा सॉयल मिक्सचर है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन आज फिर मैं बता देती हूँ इस सॉयल मिक्सचर में है क्या क्या। इसमें आपका है गार्डन सॉयल, एक हिस्सा गार्डन सॉयल है, एक हिस्सा कोकोपीट है, और एक हिस्से में हमारा, आप क्योंकि ये हमें इंडोर प्लांट्स लगाने हैं, तो इंडोर प्लांट्स लगाने के लिए हमें इसका जो ड्रेन आउट, यानी जो सॉयल है, वो बहुत ही हल्का चाहिए, ताकि इसमें जो भी पानी हो वो होल्ड ना हो। पानी होल्ड रहेगा तो प्लांट के सड़ने का डर रहता है, तो वो पानी होल्ड ना हो, खाली स्प्रे से जितना हमें पानी की नीड है उतना ही इसमें, इस सॉयल मिक्सचर में पानी रुके। तो इसलिए ये सॉयल मिक्सचर बहुत ही हल्का बनाया गया है, और इसमें फंजीसाइड डालना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेंगी इन प्लांट्स को, तो इसमें हमें फंजीसाइड भी डालना पड़ेगा, और डाला है मैंने। तो ये हमारा हो गया सॉयल मिक्सचर, और ये हमारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स हमें ऐसे चूज़ करने हैं जो कि एयर प्योरीफायर चाहिए, एयर प्योरीफायर हो। तो ये आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट है, और ये सेंसेवेरिया है। सेंसेवेरिया आपको पता है एक एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, स्पाइडर प्लांट ये भी एयर प्योरीफायर है, और ये हमारा सिंगोनियम है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है। ये सभी इंडोर प्लांट्स हैं, और हमने प्लांटर जो लिया है, कैक्टस लिया है, तो इसके लिए मैंने एक इसी से रिलेटेड कैक्टस प्लांट लिया, यानी जीरोफाइट है ये, क्योंकि इन सभी में पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो इसलिए एक मैंने ये लिया है। और ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट, हमें ढकने के लिए, फिल करने के लिए हमें ये मॉस भी चाहिए, क्योंकि ये मॉस के दो फायदे हैं। एक तो ये हमारा मिट्टी को ऊपर नहीं आने देगा, कहीं पे भी आप रखते हैं, ये टेबल पे रखना है या कहीं पे रखते हैं, तो ये मिट्टी को बाहर नहीं आने देगा, यानी आप जब स्प्रे करते हैं तो ये मिट्टी को आने नहीं देगा। और दूसरे, ये एक सॉयल होल्डर भी है, यानी ये पानी को काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रख सकता है, यानी प्लांट को ये मॉइस्चर देता रहेगा। तो एक तो हमारा ये हो गया, और कुछ हमें चाहिए ये मार्बल चिप्स, ये डेकोरेटिव है, मार्बल चिप्स चाहिए ऊपर, इनके ऊपर लगाने के लिए। इसके बाद कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स हो गए ये प्लांटर में लगाने के लिए, मैं स्माइली चाहिए, ये फ्लावर स्टिक्स हैं, ये भी चाहिए, आप देख रहे हैं इसमें ये लगे हुए हैं, तो ये फ्लावर स्टिक्स हैं। और कुछ हमें ये इस तरह का, ये देखेंगे कहाँ लगाना है, ये देखिए, ये मेरा बनाया हुआ है, एक बर्ड है, तो ये भी आप कहीं पे भी इसको बिठा सकते हैं, ये है। और इसमें कुछ और भी हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, मैंने सारी इकट्ठी कर ली, जो घर में ही चीज़ें थी उन्हीं से ही मुझे ये बनाना था, तो ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ये कैक्टस का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्रेनेज होल है, इसको मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, देखिए, कवर कर दिया है ठीकरी से, आपको इसे कवर करना है। ये थोड़ा छोटा है, बड़ा ले लेती हूँ, ठीक है,
और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें सॉइल डालना है आधा। पहले मैं इसमें सॉइल पूरी तरीके से क्या करूँगी, फिल कर दूँगी। सॉइल मैंने आपको बता ही दिया है, सॉइल आपका बहुत ही लाइट होना चाहिए। इसमें कोकोपीट होना चाहिए, कोकोपीट हल्का ही हो, आधा हिस्सा आपका गार्डन सॉइल। सैंड में इसमें हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सैंड भी ऐसा है बालू में पानी रुकता नहीं है। और उसके बाद हमें अपना ये प्लांट लगा देना। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसमें सिर्फ ये स्टिक्स ही आती हैं, इसमें केवल स्टिक्स ही निकलती हैं, लीव्स नहीं निकलती हैं। और इसमें पानी आप हफ्तों हफ्तों मत दीजिए, फिर भी ये प्लांट आपको बिल्कुल यूं ही मिलेगा। तो इसमें देख रहे हैं आप, मैंने इसके ये मैंने अपने गार्डन से ही निकाला है और इसकी कटिंग मैंने लगाई थी। अब इसमें रूट आ चुका है, तो रूट वॉल में मैंने थोड़ी सी मिट्टी लगा के और फिर इसे लगा रही हूँ, ताकि ये, क्योंकि इस समय विंटर है और इस समय प्लांट लगाना सही नहीं है, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं, लग गया तो अच्छा है, केयर के ऊपर होता है आपके। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लांट लवर हैं और अपने प्लांट्स को बच्चों के तरीके से केयर करते हैं, तो प्लांट ज़रूर लगेगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप देख रहे हैं कि अभी से कितना खूबसूरत लगने लगा है। फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद हमें थोड़ा सा दबा दबा के इसमें मिट्टी की फिलिंग करनी है, क्योंकि एयर पॉकेट नहीं होना चाहिए। एयर पॉकेट होने से प्लांट्स लग नहीं पाते हैं, उनके मरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने इसमें मिट्टी डाल दिया और मुझे थोड़ा सा स्पेस इसमें बचा के रखना है। बचा के इसलिए रखना है क्योंकि ये मेरा मॉस है। मॉस फ्रेंड्स आपको एक दिन पहले भिगो के रखना पड़ेगा, ताकि ये फूल जाए और उसके बाद आपको ये पूरी मिट्टी आपको ऐसे ही। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा प्लांटर है। ये वही प्लांटर्स हैं जो मैंने आपको अपने खुर्जा शॉपिंग में दिखाई थी, तो उनको मैं फिर से आज सोच रही हूँ कि इनको कैसे यूज़ करूँ। तो सबसे पहले इसमें हमने एक इसके जो ड्रेनेज होल है, इसमें एक ठीकरी, नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इसमें एक ठीकरी लगा दिया है। और इसमें ये हमारा सॉयल मिक्सचर आधा भर देंगे। आधा भरने के बाद इसमें मैं ये स्पाइडर प्लांट लगाऊंगी। ये स्पाइडर प्लांट है और ये भी मेरे गार्डन का ही है, जो मैं आज निकाल के लेके आई हूँ। और इसमें होल करते हैं, देखिए होल करके इसमें लगा देना है। इसके रूट बॉल को मैंने उससे कवर कर रखा है और उसके बाद इसमें फिर से ये मिट्टी फिल करेंगे। मिट्टी फिल करते समय हमें फिर से याद रखना है कि हमें प्लांट्स के चारों तरफ थोड़ा सा टाइटली मिट्टी को दबा देना है, जिससे उसमें कोई भी एयर पॉकेट ना रह जाए। ये भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैंने इसमें कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स नहीं डाले हैं। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, आप जिसे भी ये प्लांट अपने हाथों से बना के देंगे, वो आपको बहुत ही थैंक्स देगा। रीज़न ये है कि एक तो आपने कितने प्यार से ये बनाया है, दूसरी चीज़ आप उनको ऐसे प्लांट्स दे रहे हो जो वो अपने आसपास अपने टेबल पे, अपने स्टडी टेबल, अपने घर में सजा के रखेंगे। और घर में सजा के रखने सालों साल उन्हें ये, एक तो उनके पास रहेगा, दूसरी चीज़ पता है ये एयर प्योरीफायर प्लांट्स हैं। मीन्स आप तो उन्हें कुछ दे रहे हो, ये प्लांट्स भी उन्हें कुछ देंगे। आजकल आपको सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हेल्थ होती है, तो हेल्थ के लिए यानी आसपास अगर आपको फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता जो आज उन्हें आप देने जा रहे हो। तो वो रियली
पूरी लाइफ आपको थैंक्स बोलेंगे ऐसे गिफ्ट के लिए, तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा। और उसके बाद जब आपकी ये फीलिंग हो जाएगी तो ये मॉस को आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको भिगो के रखना पड़ेगा एक दिन पहले, ताकि ये फूल जाएं। और इनकी मिट्टी को पूरी तरीके से हम कवर कर देंगे, जिससे मिट्टी जब भी पानी डाला जाए तो ये मिट्टी बाहर नहीं आ सके। और दूसरी चीज़, इनको मॉइस्चर भी इससे मिलता रहेगा, यानी फिर डेली पानी डालने का की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये देखिए, ये हमारा प्लांट रेडी हो गया। अब ये हमारे दो प्लांट रेडी हैं, एक तो ये और दूसरा, ये दोनों प्लांटर्स तैयार हैं। इसमें प्लांट भी लग चुके हैं और इसकी फिलिंग भी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसे डेकोरेट करना है। ये मॉस अच्छे से हमने इसमें फिल कर दिया है, तो मॉस पे हमें क्या डालना है, ये मार्बल चिप्स डालने हैं। इनको पूरा हम मार्बल चिप्स से ढक देंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, इसको ठंडक भी देते रहेंगे। आप अगर पानी इन्हें नहीं देते हो दो दिन तीन दिन चार दिन तो भी चल जाएंगे। इन्हें हल्का सा आपको क्या करना है, स्प्रे करना है और इन्हें रख देना। यकीन मानिए, ये बिल्कुल आपको मार्केट में जैसे डेकोरेटिव आइटम्स दिखते हैं वैसे ही ये दिखेंगे, और आपको देने में भी अच्छा लगेगा और लेने वाले को भी बहुत ही प्यारा लगेगा कि आपने उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दी है जो उनके स्वाद से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। उनको एक तो फ्रेश एयर हमेशा मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, आप ये इन्हें एक प्लांट दे रहे हो, अगर वो प्लांट लवर होंगे, प्लांट की बिगनर नहीं होंगे, प्लांट के बारे में उनको कोई नॉलेज होगी, तो वो उस एक प्लांट से हजारों प्लांट्स बना के वो और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा दो प्लांट रेडी हो गया। एक तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, ये दो रेडी हो गए। चलिए इनका डेकोरेशन देख लेते हैं। हमारे पास दो कलर के हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो इन्हें भी मैं लगाना चाहूँगी, क्योंकि गिफ्ट आइटम्स हैं, तो गिफ्ट आइटम्स तो जितना ही सजा हो उतना प्यारा लगता है। एक में रेड को लगाते हैं, एक में पिंक को लगाते हैं। आप कमेंट करके बताना मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें तो इसमें रेड का देती हूँ, क्योंकि वो वाला रेड है तो वो सेम कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इसमें हम रेड का देंगे और उसमें पिंक का देंगे। चारों तरफ आप इसको फिल कर दीजिए। देखिए, कांटे के साथ फूल भी खिल गए, अच्छा लग रहा। और इसके साथ हमें एक काम और करना है फ्रेंड्स, इसमें हमें स्माइली भी लगाना है। तो ये हमारा एक स्माइली है, कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे। रेडी हो गया। और सेम इसी तरीके से हमें इसमें कुछ पिंक रोज़ेस लगा देने हैं। एक दो भी लगाएंगे चलेगा, आपके ऊपर है कैसा लगता है आपको, या कुछ और भी आप लगा के दे सकते हैं। जैसे ये जंगल लुक लग रहा है तो आप इसमें कुछ जो हमारे पास ये हैं एसेसरीज हैं, यानी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी उधर है। तीन भी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये देखिए, जिराफ है, ये है, ये इस तरीके से इसमें यहाँ पे आप
इनको भी बिठा सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे मिनिएचर एनिमल्स हैं, तो आप इनका भी वो कर सकते हैं। मुझे तो ये रैबिट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये एनिमल्स नहीं करूँगी, मैं इसके साथ एक रैबिट, क्योंकि ये लेके आया है आपके लिए गिफ्ट। ये देखिए, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें पानी का भी स्प्रे करूँगी। थोड़ा सा नहीं, लगने के बाद आपको ठीक से पानी डालना है, उसके बाद आपको एक आधे एक घंटे की थोड़ी थोड़ी सी इसमें सनलाइट यानी धूप भी दिखानी है, जब ये स्टेबल हो जाए, जब ये पूरी तरीके से आपको लगे कि ये लग चुके हैं, फिर आप इन्हें इंडोर भी रख सकते हैं। फिर आप इनको हफ्ते में एक दिन आधे एक घंटे दिखा के भी काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक तीसरा मैं एक और बना के दिखाना चाहूँगी। ये सिंसेवेरिया हो गया, ये हमारा कैक्टस हो गया, और ये हमारा स्पाइडर प्लांट हो गया। तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट बना के।